प्रदेश के मुख्यमंत्री के निर्देशन में प्रदेश में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में ग्वालियर जिले के भितरवार में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देकर सरकारी जमीन पर बने मकानों को ध्वस्त कर दिया। इस दौरान राजस्व, नगर पालिका सहित पुलिस बल मौजूद रहा। भितरवार क्षेत्र में लगातार अतिक्रमण की शिकायतें प्रशासन को मिल रही थी, जिस पर बुधवार को SDM अश्विनी रावत ने राजस्व और नगर पालिका अमले को साथ लेकर नए बस स्टैंड के पास शासकीय भूमि पर बन रहे अवैध निर्माण को तोड़ा। बाद में प्रशासनिक अमला वार्ड नंबर 4 स्थित कृषि उपज मंडी के पास पहुंचा, जहां शासकीय भूमि पर बन रहे बाउंड्री वॉल को JCB की मदद से तोड़ दिया। प्रशासन ने इस दौरान लगभग 9000 स्क्वायर फीट भूमि को मुक्त कराया है, जिसकी कीमत करोड़ों रुपए बताई जा रही है। शहर में जो है अचानक से अतिक्रमणों की बाढ़ आ गई है। लोग सरकारी ज़मीनों को तोड़ते जा रहे हैं, उनको बनाते जा रहे हैं। तो आज दो जगह अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है। दोनों ही सरकारी ज़मीनें हैं और हमारे RI पटवारी कई बार मना करने आए, उसके बावजूद जबरन बना रहे हैं। तो उनको ऐसा लग रहा है कि जो भी कुछ कमजोरी आ रही है, इसलिए वो बनाते जा रहे हैं। सर, आज जो अतिक्रमण हटाया गया है, लगभग कितने सरकारी भूमि कितनी मुक्त कराई है, कितनी लागत इसकी? अभी जो है ये लगभग जो है अपने ये 7-8 हज़ार वर्ग फुट जगह मुक्त कराई है और इसकी कीमत तो लगभग 1 करोड़ के करीब। सर, अभी एक मामला गोंदा में भी चल रहा है सर, वहाँ पर रातों रात अंबेडकर जी की मूर्ति स्थापित, वो भी सर विवाद जमीन का ही है, काफ़ी दिनों से चला आ रहा है सर। अभी भी वहाँ तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, प्रशासन वहाँ पर मौजूद? हाँ, वहाँ भी कुछ गलत तरीके से मूर्ति रखी गई है, तो RI पटवारी को हमने भेजा हुआ है और उसको मैंने कहा है कि आप पूरा चिन्हित करके बताओ कि वो जो ज़मीन उन्होंने अपनी कब्जे वाली ज़मीन पर रखा है या दूसरे ने जो खरीदी है उस पर रखा हुआ है। वो जैसे ही क्लियर हो जाएगा अपन निर्णय लेंगे। सर, बाजार में भी कई जगह अतिक्रमण, रोडों पर सर बड़े बड़ी बिल्डिंगें अतिक्रमणकारियों ने बना ली, सर उस पर भी कोई कार्रवाई आने वाले समय में होगी? जी, नगर पालिका से सामंजस्य बिठा के अपन करेंगे कार्रवाई। ग्वालियर से इमरान खान की रिपोर्ट।